हेलो किसान साथियों, ग्रीन फार्म सॉल्यूशन चैनल पे आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बिल्कुल एकदम लेटेस्ट नए प्रोडक्ट की जानकारी देने वाला हूँ, जो कि सिंजेंटा का सिमोडिस के नाम से आता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये सिंजेंटा का जो सिमोडिस है ये क्या है, इसकी क्या विशेषताएँ हैं, ये कितने प्रकार के कीटों को कंट्रोल करता है, और सबसे ज़रूरी बात कि इसकी डोज क्या है और इसको हम स्प्रे करते समय क्या क्या सावधानियां रखें ताकि हमारे को हर कीट का बहुत अच्छे से कंट्रोल मिले। इसके साथ साथ हम सिमोडिस को कौन सी दूसरी दवाइयों के साथ मिला सकते हैं, ये तकनीकी भी जानकारी भी आपको यहाँ पे मिलेगी। तो मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि अभी तक अगर आपने आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आगे आने वाले इसी तरह के तकनीकी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो अब हम चलते हैं सिमोडिस के बारे में जानते हैं। तो ये जो सिमोडिस, ये जो कीटनाशी है, इसके अंदर जो साल्ट है उसको आइसोसाइक्लोसेरम कहते हैं। ये लगभग 10% वेट बाय वॉल्यूम है, या दूसरी भाषा में हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि 1 लीटर दवाई के अंदर जो ये एक्टिव इंग्रेडिएंट है ये 100 ग्राम होता है। ये डीसी फॉर्मूलेशन में आता है जिसको हम डिस्पर्सिबल कंसंट्रेट कहते हैं। इस सिमोडिस की विशेषता क्या है कि ये जो एक प्लिनाजोलिन जो टेक्नोलॉजी है सिंजेंटा द्वारा डेवलप की गई, उसके ऊपर ये मैं कहूँगा कि मल्टी यूजेबल ये एक इंसेक्टिसाइड है। प्लिनाजोलिन जो टेक्नोलॉजी है क्या है कि इसके द्वारा जो ये जो हमारी दवाई है, जब हम इसका स्प्रे करते हैं तो इसके जो रेजिड्यू है वो प्लांट के ऊपर, जो सरफेस लीफ के ऊपर, पत्तियों के ऊपर लंबे समय तक बने रहते हैं, जिससे हमें हर कीट का एक लंबे समय तक इसका कंट्रोल मिलता है। इसके साथ साथ ये एक नया जो ग्रुप है, जो हम इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस एक्शन कमेटी कहते हैं, उसका जो एक नया ग्रुप 30 जो है, ग्रुप 30 जो है, उसके अंदर इस इंसेक्टिसाइड को शामिल किया गया है। ग्रुप 30 इंसेक्टिसाइड क्या है, ये जो पौधों के अंदर या जो इंसेक्ट के अंदर, विशेष रूप से मैं कहूँगा कि ग्रुप 30 के अंदर ऐसे कीटनाशी शामिल किए गए हैं जो कीटों के अंदर जो रेसिस्टेंस डेवलप हो रही है, प्रतिरोधी क्षमता जो डेवलप हो रही है उसको मैनेज करने में हमारी मदद करते हैं। ग्रुप 30 जो है कीटनाशी, इनकी विशेषताएं क्या होती है कि ये कीटों के जो तंत्रिका तंत्र होता है या जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं उसको ये प्रभावित करता है। इससे कीटों को लकवा मार जाता है सभी तरह के कीटों को, और वो पूरी तरह से कंट्रोल हो जाते हैं। ग्रुप 30 में अभी तक अगर हम देखेंगे तो सिर्फ 2 ही कीटनाशी थे, इसमें ये तीसरा है। 2 ऑलरेडी मार्केट में इंडिया में हमारे पास में अवेलेबल हैं, जिसमें एक बायर का एक्सपोनस के नाम से आ रहा है और दूसरा जो है वो गोदरेज का ग्रेसिया के नाम से आ रहा है, और अभी ये जो तीसरा सिंजेंटा ने लॉन्च किया है सिमोडिस के नाम से। तो अभी तक ये 3 प्रोडक्ट हैं, मैं कहूँगा तीनों ही प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, सभी जो किट हैं उन पर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन आज हम सिमोडिस के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। सिमोडिस की विशेषताएं क्या है, सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि जब हम कई बार धूप में स्प्रे करते हैं या बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हमने स्प्रे चलो ठंडे मौसम में किया लेकिन एकदम से फिर धूप हो जाती है, गर्मी हो जाती है, तो ऐसे में भी ये जो प्रोडक्ट है या इसका स्प्रे है वो उतना ही प्रभावी है। इसी तरह से इस प्रोडक्ट को करने के बाद, स्प्रे करने के बाद अगर बरसात आ जाती है तो भी इससे हमको कोई भी चिंता डरने की जरूरत नहीं है। इफ़िशेंसी है, इसका इफेक्ट उतना ही कारगर रहता है जितना बरसात नहीं आने पे होता है। इसी तरह से जो सिमोडिस है ये सभी तरह के कीटों को कंट्रोल करता है। जैसे हम मेनली देखेंगे कि हमारे 3 तरह के कीट आते हैं, पत्तियों को खाने वाले जिनको हम लेपिडोप्टेरा कहते हैं, इल्ली की डार या सुंडी, या हम जिनको लट कहते हैं। इसके अलावा जैसे थ्रिप्स है वो हमको काफ़ी परेशान करता है, विशेष रूप से ग्रीन हाउस जो हम खेती करते हैं उसके अंदर, और उसके साथ जो अलग अलग स्पीसीज़ की जो माइट है वो भी हमको काफ़ी परेशान करती है। तो ये तीनों के ऊपर मैं कहूँगा ऑल इन वन ये प्रोडक्ट है। अब इसकी अगर मैं सबसे पहले माइट की बात करूँ तो ये माइट के निम्फ और अडल्ट दोनों को कंट्रोल करता है। माइट की भी अलग अलग स्पीसीज जैसे ब्रॉड माइट है या 2 स्पॉटेड माइट है, इसके अलावा बीन रेड स्पाइडर माइट है, इसके अलावा टोमेटो रसेट माइट है, उन सब के ऊपर ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। इसी तरह से मैं कहूँगा कि जो थ्रिप्स है हमारे, थ्रिप्स के अंदर भी अलग अलग थ्रिप्स की जैसे स्पीसीज है, जैसे मेलन थ्रिप्स है, ओनियन जो प्याज वाला थ्रिप्स है, इसके अलावा जो प्लूक थ्रिप्स आता है एक वो है, टोमेटो थ्रिप्स है, वेस्टर्न फ्लोर थ्रिप्स है, तो ये जो अलग अलग स्पीसीज है थ्रिप्स की उन सभी के ऊपर ये निम्प और अडल्ट के ऊपर बहुत अच्छा कारगर है। इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि लेपिडोप्टेरा यानी जैसे जो हमारी सुंडी है
या लट या कैटरपिलर या जो गिडार है, जैसे बैंगन में आती है, गोभी में DBM आता है, चिल्ली का है, कॉटन, इन सब के ऊपर ये काफ़ी अच्छा इफेक्टिव है। ये जो प्रोडक्ट लेबल है इंडिया में, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो सभी, जैसे मैंने कहा, ब्रिंजल, केबेज, चिल्ली, कॉटन, रेड ग्राम, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सभी क्रॉप में हम इसको यूज कर सकते हैं अलग अलग कीड़ों को मारने के लिए। अब इसकी हम अगर डोज की बात करें तो जितने भी सकिंग पेस्ट है या माइट है, जैसे जेसिड, माइट, थ्रिप्स और लीफ माइनर के लिए जो इसकी डोज है वो 80 ml प्रति एकड़ है। इसी तरह से जो बोरर या कैटरपिलर है वहाँ पे इसकी डोज थोड़ी सी बढ़ जाती है, वहाँ पे जो इसकी डोज है वो 240 ml प्रति एकड़ है। अब इसकी और क्या खासियत है वो मैं भी आपको बता देता हूँ, और इसको किस तरह से यूज़ करना है वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सीमोडिस जो है ये एक कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है, ये सिस्टेमिक नहीं है, और इसी के साथ साथ ना ही इसका एक ट्रांसलेमिनार एक्शन है। ट्रांसलेमिनार एक्शन मतलब बहुत सारे अभी इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड ऐसे आ रहे हैं कि जो पत्ती के एक साइड में स्प्रे करने पे दूसरी साइड तक उनका इफेक्ट होता है, लेकिन इनमें ये ना तो सिस्टेमिक है और ना ही इसका ट्रांसलेमिनार एक्शन है। तो इसके लिए हमको दो चीज़ें बहुत ज़रूरी करनी है। नंबर एक कि हमको इसके अंदर स्टिकर या स्प्रेडर जिसको हम कहते हैं वो ज़रूर मिलाना है। नंबर टू जो ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि इसका स्प्रे पूरे पौधे पे अच्छे से होना चाहिए जहाँ जहाँ पे इंसेक्ट आता है, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट है, तभी हमको इसका पूरा रिजल्ट जो है वो मिलेगा। इसके साथ साथ कोई तेजी से बढ़ने वाली फसल है जैसे खीरा है या अन्य कोई क्रॉप है, तो उसमें जो नई ग्रोथ आएगी आगे स्प्रे के बाद में, उस पर कीटों का अटैक हो सकता है, तो उसको हमको ध्यान में रखना है। इसकी एक अच्छी बात ये भी है कि स्प्रे करने के बाद, जैसे हम कोई सब्जियों के ऊपर इसका स्प्रे कर रहे हैं, तो स्प्रे करने के विद इन 3 days 3 दिन के बाद हम उस फसल की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। इसके अलावा ये कंपेटेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो सीमोडिस जो है ये लगभग सभी कीटनाशी, जितने भी इंसेक्टिसाइड है, फंजीसाइड है, सबके साथ आप इसको मिला के स्प्रे कर सकते हैं। जैसे एमिस्टार आ रहा है, जोक्सिस्टोबिन है, या कॉपर बेस फंजीसाइड है, और ऑलमोस्ट जितने भी इंसेक्टिसाइड है सबके साथ में ये कंपेटेबल है। तो किसान साथियों, आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करें और अपने कमेंट ज़रूर दें, और मेरा सभी किसान भाइयों से ये भी निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।